हेलो फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सबको। और मैं अपना दिन शुरू कर रही हूँ फ्रेश पपाया कट्स के साथ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। लंच में है गरम गरम देसी घी वाली खिचड़ी, साथ में है लौकी का रायता, कुछ पापड़ है और साथ में है पूरी जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। और इस आज जो मैं खा रही हूँ वो है सेसमी सीड की पूरी, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली खिचड़ी में और ये मेरा लंच है। जैसा कि आपको मालूम है दिवाली आने वाली है, तो मुझे लगा उससे पहले क्यों नहीं मैं आपको कुछ आउटफिट्स दिखाऊं। और हाँ, ये जो है योगर्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है किशमिश और गुड़, तो ये जो है मैंने अपने दिवाली का मेरा आउटफिट है, दिवाली का आउटफिट है, या मैं किसी और फेस्टिवल पे भी पहन सकती हूँ। तो यू नो, हर बार मुझे सब बोलते हैं कि नए आउटफिट लेना, कभी कभी हम नहीं लेते। तो मैंने क्या करा है, मैंने अपने जो है ओल्ड लहंगा और ये जो दुपट्टा है, ये मेरे ब्रदर की जब मैरिज हुई थी तो उस समय मैंने ये थोड़े आउटफिट्स खरीदे थे। तो मैंने सिर्फ ब्लाउज को खरीदा है, बाकी जो मेरे आउटफिट है नीचे का लहंगा और जो दुपट्टा है वो मैंने पहले वाला ही यूज़ करा है। और एसेसरीज है जिसमें से नेक पीस जो है वो मैं अभी जब नॉर्थ गई थी तब मैंने खरीदा था। और ये आपको मैं पहन के दिखाती हूँ अपना पूरा आउटफिट, आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो इसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपना जो है फेस वॉश और फेस स्क्रब वगैरह पहले सब मैंने कर लिया है। यू नो, मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करा है तो आप देखना आपका जो मेकअप है बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। तो अपना जो भी आपको अपना मेकअप का प्रोडक्ट है सबको आप एक साथ रख लीजिए। और जो है मैंने सबसे पहले जो है नीम फेस वॉश यूज़ करा है, उससे मैंने अपने फेस को वॉश करा। उसके बाद जो है मैंने फेस स्क्रब करा और फिर मिसलर वाटर से मैंने अपने फेस को एक बार फिर से क्लीन कर लिया था मेकअप से पहले। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। जो भी आप फाउंडेशन लगाते हैं, जो भी आप कंसीलर लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, आप उनको वन बाय वन सबको लगा लीजिए फेस पे। और अपने स्किन के टेक्सचर के हिसाब से ही आप अपना मेकअप करें। अगर ऑयली है उसके हिसाब से, जैसे मेरा स्किन जो है ड्राई है तो मैं यूजली अपना ड्यूई मेकअप ही करना पसंद करती हूँ। उससे जो है स्किन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ग्लो करती है। नाउ गाइस, फॉर माय आईब्रोज आई यूज डार्क ब्राउन शेड विच गोज रियली वेल विद माय हेयर, जो सिर के बाल हैं उनके साथ वो मैच करता है। और आई यूज स्पूली, जो मैं अपने आईब्रोज के जो हेयर हैं उनको मैं पहले कॉम्ब कर लेती हूँ और फिर जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल इट नाइसली, बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा यू नो खाली जगह होती है तो उसको जो है आप अच्छी तरह से फिल करती है। एंड ये समबडी आस्क्ड मी कि मैंने मेकअप कहाँ से सीखा, तो मैं पहले, जैसे आपको पता है, एक कैबिन क्रू थी, तो मैंने अपना सबसे पहले जो है मेकअप एविएशन में सीखा था जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी। और उसके बाद जो है कुछ साल के बाद मैंने Lakme से भी ट्रेनिंग ली थी और उसमें पर्सनल ग्रूमिंग का कोर्स करा था। तो इस तरह जो है मैंने अपने मेकअप सीखा। और मेकअप समथिंग यू नो आपको ट्राई करते रहना है, उसको लगाते रहें तो आपको अपने आप से आ जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है अपना मेकअप लगाना सीखा था। बट क्रेडिट गोज टू मेरा जो केविन क्रू ट्रेनिंग था वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इट्स फेस्टिवल टाइम, सो यू नो यू कैन ट्राई बोल्ड एंड क्रिएटिव मेकअप लुक, दे रियली लुक गुड। सो हेयर आई एम डूइंग ग्लिटरी आई शेडो यूजिंग माई ब्रश एंड माई फिंगर, उसके हिसाब से जो है मैं अपना आई शेडो जो है उसके ऊपर जो है शिमरी लुक दूंगी। सो आई एम अप्लाइंग शिमरिंग आई शेडो टू माई लिप्स एंड विच रियली लुक्स गुड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पार्कली आई मेकअप लुक। Now the color of your eyeshadow or your glitter depends on your dress.
लाइक जो भी आपका ड्रेस है उसके हिसाब से आप अपना आई शेडो, अपना जो ग्लिटर ऊपर लगाना है उसे लगा सकते हो। तो मुझे जो है थोड़ा पिंकिश और थोड़ा ब्राउनिश में चाहिए था, तो मैंने वही कलर यूज़ करा है। आई होप लाइट में अच्छी तरह आपको दिख जाए कि मैंने कौन सा कलर यूज़ करा हुआ है। इट रियली लुक्स गुड, यू नो, बड़ा एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड लुक है ये। एंड इट्स रियली बोल्ड लुक, क्योंकि जो मैंने आई लाइनर लगाया हुआ है वो काफ़ी थिक मैंने लगाया हुआ है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिए। हर वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अपने आईज़ को और सुंदर बनाने के लिए अब मैं जो है काजल यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी डिफरेंस लग रहा है काजल लगाने के बाद। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, वी ऑल लुक क्यूट व्हेन वी स्माइल, सो प्लीज स्माइल। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर। अब हाइलाइटर को आप अपने चीक बोन्स पे लगा सकते हैं, अपने ब्राउज पे लगा सकते हैं, ब्रिज ऑफ योर नोज लगा सकते हैं, इनर कॉर्नर ऑफ योर आईज पे लगा सकते हैं। और अब जो है मैं मस्कारा लगा रही हूँ। जो मस्कारा है उसको आप अपने आईलैशेस को ऊपर की तरफ कर्ल करें, और उससे जो है आपकी आईज़ दे लुक बिग, दे लुक ब्यूटीफुल, और बहुत ओवरऑल बहुत ही अच्छा लुक आता है। यूज़ अ ब्लश ऑन, जो आपको आपके मेकअप के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आपको ये ब्लश ऑन लगाना चाहिए तो उसको आप यूज़ करें। और फिर जो है लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक जो है उसको पहले आउटलाइन अपने लिप्स को दे दो, और उसके बाद जो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यूजली जो आउटलाइन जो हम देते हैं वो एक कलर डार्क से करने से जो है बहुत फुल लुक, लिप्स का लुक आता है और बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी ब्रांड जो आपके साथ आपको सूट कर रही है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी कुछ नई लिपस्टिक्स लाई हूँ, और तो मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं कौन कौन सी लिपस्टिक्स अभी लेकर आई हूँ। दिवाली का समय है तो आई थिंक हम थोड़ी शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। ऑलमोस्ट डन। बिंदी लगाना तो भूल गई, तो बिंदी आप कोई भी अपने ड्रेस के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने जो है छोटी सी ब्लैक बिंदी लगाई है। मैं चाहती तो ब्लैक कलर की बड़ी बिंदी भी लगा सकती थी, या मरून भी लगा सकती थी, पर मैंने जो है ब्लैक बिंदी लगाई है। और मैं पीछे फूल लगा रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, तो ये जो गजरा लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। अपने हेयर को पीछे टाई करके एक बन बना लिया है। So I'm almost done. If you want, you can even use a makeup fixer. But now I'm going to wear this beautiful neck piece, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरे outfit को बहुत ही grand look दे रहा था, बहुत ही सुंदर। और I must say कि इसको पहनने से मैं बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी बताना आपको ये मेरा neck piece कैसा लगा। तो मैंने अपनी ज्वेलरी सारा पहन लिया है, और अब जो है मैं आपको अपना
फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये जो वीडियो है इसको मैंने दिन के समय बनाया था, सनलाइट थी जब तब मैंने बनाया था, और मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करा है। और जो कोई भी फेस्टिवल का समय होता है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर आउटफिट्स, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, आप क्या पहनना चाहते हो, यू नो यू कैन डिसाइड इट, पहले डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या पहनना है। और एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि यू नो फेस्टिवल शुरू होने से पहले आप अपना फेशियल या तो पार्लर जाके करवा सकते हैं, सलून में करवा सकते हैं, या फिर आप अपने आप घर में भी कर सकते हैं। वो नहीं तो बस अच्छा सा स्क्रबर लीजिए और मॉइस्चराइज़र लीजिए और अपने फेस की थोड़ी मसाज कीजिए, स्टीम कीजिए, ब्लैक हेड्स निकाल लीजिए, और जो है आपका फेस जो है बिल्कुल ग्लो करने लग जाएगा। तो ये ज़रूर फेस्टिवल से पहले करना अच्छा रहता है, मैनीक्योर पेडिक्योर करवा लीजिए। तो ये जो है मेरा पूरा लुक है, अभी भी आई थिंक पूरा नहीं नज़र आ रहा, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो है मैंने अपने दुपट्टा बहुत ही नॉर्मल वे से लिया हुआ है, आप चाहें तो इसको सीधा पल्ला ले सकते हैं, उल्टे पल्ले की तरह ले सकते हैं, गुजराती वे से पहन सकते हैं, बहुत तरह के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वे हैं जिससे आप अपना जो है दुपट्टे को पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे, दिवाली पर और भाई दूज पे आप क्या आउटफिट पहनेंगे, मुझे ज़रूर बताना। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियोस को देखिए, और यू नो मैं सबके वीडियोस देखती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले तो मेरे वीडियोस को देखिए। और बहुत सबने मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करा हुआ है। दिवाली धनतेरस को बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो बस कल से छोटी छोटी शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। आउटफिट्स वगैरह तो हो गए हैं, तो अब घर के यू नो डेकोरेशन के छोटे छोटे जैसे फूल होते हैं, दियाज होंगे, लैंप्स होंगे, तो कल से ये सब लाना शुरू करूँगी। तो अगर फेस्टिवल पे बाहर जा रहे हैं तो आप हील्स पहन सकते हैं, पर अगर आप घर पर ही हैं और फेस्टिवल को घर में ही इंजॉय कर रहे हैं तो यू कैन वेयर फ्लैट्स, मोजरीज पहन लीजिए, पंजाबी जूतीस पहन लीजिए, कोई भी फ्लैट्स पहन लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा बहुत तो यू नो पूजा करनी है, गेस्ट आते हैं उनको सर्व करना होता है खाना वगैरह, तो आप अपने जो भी शूज़ या जो भी सैंडल्स जो भी पहन रहे हैं वो अपने हिसाब से पहन सकते हैं आप। मैं क्योंकि घर में ही हूँ तो मैंने अपने जो हैं फ्लैट्स पहने हुए हैं। एंड गाइस हो सके तो आप पटाखे थोड़े कम चलाएं जिससे पोल्यूशन थोड़ी कम होगी, और ढेर सारे फूलों के साथ आप अपनी दिवाली सेलिब्रेट करें, ढेर सारी मिठाइयाँ बनाएं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, सब कुछ घर में बनाएं और घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करें, अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई चैनल, टेक केयर, बाय, हैप्पी दिवाली and happy Dhanteras, happy Choti Diwali.